आदेश आदेश आदेश। अध्याय दो, श्लोक संख्या 55 और 56। अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं। तब परमात्मा श्री कृष्ण लक्षण को समझाते हैं। 95वें श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा है, पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं को परित्याग कर देता है, तब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा से ही संतोष प्राप्त करता है। तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थिर रहता है, उसको स्थित पग्न कहते हैं। 56वें श्लोक में कहते हैं, दुख की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते हैं, और जिसके अंदर आसक्ति क्रोध ये सबसे मुक्ति पा लेते हैं, ये स्थिर वाले मनुष्य मुनि कहा जाता है। यहाँ पे बात आती है, मैंने अगले हफ्ते कहा था कि एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक अवधूत बाबा जा रहे थे, तभी अवधूत बाबा को एक काफिर किस्म के इंसान ने रोका। तभी वहाँ एक विप्रवर खड़ा था, ब्राह्मण पुत्र, उन्होंने बताया कि ये अवधूत है, इनको कोई चीज की पड़ी नहीं है। तो क्या बात करते हो, ऐसा थोड़ा होता है। तभी उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की और अवधूत बाबा के हाथ पे उन्होंने कुल्हाड़ी चला दी। देखो खून बहा जा रहा है, अवधूत बाबा मन में कोई भी प्रश्न विकटता लाए बिना आगे चलते ही जाते हैं। वो दौड़ता दौड़ता वो मुस्लिम युवक उसके पीछे गया और पूछा और बोला कि आपको कुछ नहीं होता है? तो कि ये तो शरीरी घाव है, मेरे मन में कोई विचलितता नहीं है, ये हाथ को तकलीफ होती है तो हाथ जाने, मैं क्या जानूँ। इतनी उत्कृष्टता, वो मुस्लिम एकदम चरण में गिर जाता है। तब अवधूत बाबा ने अपने हाथ पे दूसरे हाथ को घुमाया, तब वो उस घाव सही हो गया। इस चमत्कार नहीं है, ये सत्यता है, ये भगवान पे अतुट विश्वास का उदाहरण है। जो साधक कर्म करते हैं वो साधक, मगर कर्म में हर जगह पर राग रखते हैं, ईश्वर की अनुभूति प्राप्त नहीं होती। ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को हर रज में, हर कण में प्रभु है ऐसा एहसास होना चाहिए, इतनी समान दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम कुछ पा सकते हैं। ये कामना ना तो मन में है या ना तो भाव में है। हाँ, मुख प्रेक्षक बने रहते हैं ऐसे लोग, देखा करते कि क्या होता है, और उनको रंज बार भी भार नहीं होता कि क्या हो गया। ये प्रक्रिया है। दुख मैंने पहले भी बताया था कि दुख हो दिया तो भी वो ईश्वर ने ही दिया है, और सुख दिया तो भी ईश्वर ने ही दिया है। क्यों इसको हम हंसते हंसते कबूल न कर ले? हम नहीं, खुद के स्वरूप को भी टेस्ट देने की बात होती है, जुड़े हुए संबंध से टेस्ट सकते हैं। खुद का होते हुए भी अंगत मान लेना खुद का कुछ नहीं है। हम सोचते ये मेरा है, ये मेरा है, ये समय मेरा है, इसी तरह कामना में हम खूब जाते हैं। इसको छोड़ दो, इसकी प्रक्रिया से बाहर निकल दो, कुछ आपने लिए, और खुद को ही खुद का मानो। हकीकत में ये सीखने वाला जरूरी है हर चीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु ने दी हुई हर प्रतिक्षण को प्रभु में बन के जीना और उसी से संतोष प्राप्त करना। सुख दुख तो हमारे मन के खेल है, सुख दुख जैसा कुछ होता नहीं है, परमात्मा की भेंट है, उसको स्वीकार करते। जब तक हमारे मन में कामना है और कामना का अंश भी है थोड़ा सा, तब तक हमको सुख दुख का अनुभव होता रहता है। दुख की प्राप्ति पर भी अगर मन में विचलितता नहीं आती, मन व्याकुल नहीं होता, या तो सुख प्राप्त करने पर भी इसी तरह कोई असर नहीं होती,
तो इस व्यक्ति को कोई कामना की आसक्ति नहीं रहती। ये बहुत महत्व का लक्षण है। बोलना और करना बहुत अलग है। संसार में हम पदार्थों का भोग, विलास का कामना रंग चढ़ता है और चढ़ता ही जाता है, जिसके कारण भय रहता है, दुख रहता है, राग उत्पन्न होता है और साथ साथ एक प्रकार के वैभव के प्रति लालसा उत्पन्न होती है। इसके कारण क्या होता है कि हम समभाव दृष्टि से देख नहीं सकते। हर क्षण में, हर कण में ईश्वर है, ये भावना से हम परे हो जाते हैं। मोह के पास में हम लपेटे जाते हैं और मुक्ति नहीं मिलती, और यही परमात्मा प्राप्त करने का रास्ता हम रोक देते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता है, पकड़ना है तो क्या होना चाहिए, मुक्त को कर दो मन को, मन से स्वस्थ हो जाओ और कोई चीज मेरी नहीं है। ये यही तक कि हर चीज हर क्षण भगवान ने दिया है, प्रभु ने दिया है, इसको स्वीकार करना है। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि हमेशा सब फल ही मिलता है ऐसा करने से। बिना आसक्ति, पहले भी बात कर चुके हैं, बिना आसक्ति का कोई कर्म करते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती, मगर आसक्ति सहित कोई काम करते हैं, कोई चीज के प्रति हमारी तृष्णा होती है कि ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा, तो हमेशा हमेशा इसमें कोई गलती भी होती है तो इसमें सजा भी मिलती है, और अनंत सुख प्राप्त करने का रास्ता यही है कि हमको प्रत्येक क्षण प्रभु को हाजिर मानना है। कहाँ नहीं है, कहाँ, आकाश में देखो, धरती पे देखो, पानी में देखो, हर जगह पे, हमारे अंदर, भीतर में या बाहर, जहाँ भी देखो वो प्रभु है। मेरे में बसे हुए राम से सामने में बसे हुए राम को कोई तकलीफ तो नहीं होती, ये भी ख्याल आना चाहिए। ये संसार है, ये माया के दलदल में खुपते ही जाएंगे और इसमें रास्ता नहीं मिलता। अनंत सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें हमारी जात को, हमारे साथ एकदम सचोट स्वरूप से शरणागत होना पड़ेगा। जब तक हम शरणागत नहीं होंगे, हमें फल प्राप्ति नहीं मिलेगी, और जब तक फल प्राप्ति नहीं मिलेगी तब तक हम हमारी जात का कल्याण नहीं कर पाएंगे। यही स्थिति प्रज्ञा का लक्षण है, यही चीजें है कि जिसको समझना जरूरी है। देखो, आदमी जन्मता है तो किसी के कारण, माँ और बाप के कारण जन्म लेता है, बाद में जब भी वो खुद का नाम भी खुद नहीं रख सकता, लोग राम देते हैं, बड़े होते हैं तब तक लोग अभ्यास कराते हैं, ये कराते हैं, कुछ न कुछ होता है। बड़े होने के बाद भी एक एज अवस्था ये प्रकार की आती है, जैसे नीचे से ऊपर गए ऐसे ऊपर से नीचे, आखिर में भी हम पराधीन रहते हैं, हमारे पे कुछ नहीं होता। अगर शायद कोई आदमी का देह विलय हो गया यानी मृत्यु हो गई तो वो खुद के स्मशान चल के जा सकेगा, नहीं जा सकता है, उसको उठा के स्मशान ननामी में लिए लेके जाना पड़ता है, वो उसको खुद को जल भी नहीं सकता है, उसको जलाया जाता है। यही प्रक्रिया है, या और यही प्रक्रिया को जीवन में याद रखना है। ना हम कुछ कर सके हैं, ना कुछ कर पाएंगे, हम जो भी करेंगे कुदरत के अधीन होगा और कुदरत जो चाहेगी वही हम कर पाएंगे, यही याद रखना है। हम खुपते ही जाते हैं, इस दलदल में से बाहर निकल निकलिए, गुरु शरण ही एक रास्ता है। कबीर जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, चलती चक्की देख के भाई कबीर रोए, दो पड़ियन के बीच में बाकी न बचा कोई। चलती चक्की, माया, क्रोध, माँ, लालसा, ये अभिमान, ये सब की संसार, इसकी चक्की चलती है, इसके अंदर हम दाने डालते हैं तो हम जैसे घंटी घुमाते जाएंगे तो घंटी के अंदर सब दाने पीस जाते हैं। कौन से दाने बनते, जो बीच में खुट के पास पड़े रहते वो दाने बनते, वो खुट है, वो गुरु शरण है, उसको पकड़ लेने से अपनी जिंदगी की धन्यता बढ़ती है। और उसी वही दाना की बात है कि मोक्ष की बात करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि चलती चक्की देख के भाई कबीर रोए, दो पड़ियन के बीच में बाकी न बचा कोई। ये वीडियो आप तक पहुंचाने के ये प्रक्रिया हमने
जो सिले की है, बस आप इसका साथ देते रहते हो, आशीष देते रहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए सनातन की सच्ची बात है। अस्तु शुभम भवतु। आप सबके जीवन में धन्यता बने रहे, परमात्मा श्री कृष्ण के आशीर्वाद बने रहे, गुरु गोरखनाथ की कृपा बने रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में